डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं SST में चैप्टर नंबर 17। ठीक है, आपको इसे ध्यान से समझना है बेटा। बेटा, चैप्टर 17 है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन बेटा संचार होता है। संचार क्या होता है बेटा? बेटा, ये वो वे है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। मीन्स अपनी बातों को दूसरों से कहना और दूसरों की बातों को समझना क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है बेटा। ठीक है, अब बेटा ये कम्युनिकेशन हम किस किस के द्वारा कर सकते हैं? वो होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स मीन्स साधन। ठीक है, कि कम्युनिकेट करने के, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातें हम खुद समझने के लिए किन किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, वो चीज़ें साधन होते हैं बेटा, मीन्स होते हैं इसके। ठीक है, अब देखिए बेटा, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हम कम्युनिकेट कर सकते हैं स्पीक। हम कई बार बोलकर अपनी बातें बताते हैं। ठीक है, हम बोलकर बताते हैं दूसरों की, दूसरा बोलता है, हम उसको समझते हैं। ठीक है बेटा, तो जब हम बोलकर बोलकर बता रहे हैं, दूसरों की बातें हम सुन रहे हैं, तो स्पीक करना, लिसन करना। कई बार हम पढ़ लेते हैं बेटा, राइट, मैंने आपको लेटर लिखा, मैंने राइट करके दिया और आपने उसको रीड किया। ठीक है, तो रीड करना और राइट करना भी क्या है? कम्युनिकेशन है बेटा। ठीक है, तो हम कम्युनिकेट किस किस के द्वारा करते हैं बेटा? हम स्पीक करके कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं, सुनकर कम्युनिकेट कर सकते हैं बेटा, रीड करके और राइट करके। ठीक है बेटा, ये है हमारे क्या कि हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। आप देखिए बेटा, एनीथिंग वी स्पीक, कोई भी चीज़ जो हम बोलते हैं, लिसन सुनते हैं, रीड पढ़ते हैं और राइट लिखते हैं, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, वी आर वर्किंग इन ए प्रोसेस टू कम्युनिकेट। और ये जब काम करते हैं ना, तो ये हमें, हमारा कम्युनिकेट करने का एक प्रोसेस होता है, विधि होता है, या दूसरों से कांटेक्ट करने का, विद द कंसर्न पर्सन। ठीक है, किसके साथ? जो पर्सन है ना, व्यक्ति है जिसके साथ हमें कम्युनिकेट करना होता है बेटा, उसके साथ हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर जिस तरह से हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं ना, वो कम्युनिकेशन होता है बेटा। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज कम्युनिकेशन, इसे कम्युनिकेशन में गिना जाता है, माना जाता है बेटा। ठीक है, तो समझ में आ गया व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? पास ऑन मैसेजेस बाय स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, जब हम अपने मैसेज को स्पीक करके या राइट करके या रीड करके या कैसे भी लोगों तक पहुँचाते ना, जिस भी माध्यम से, वो होता है हमारा कम्युनिकेशन। Usually we need to speak or write to other people who are far from us. Usually बेटा क्या सामान्यतः क्या होता है बेटा, कि वो लोग जो हमसे दूर रह रहे होते हैं ना, उनसे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो या तो हम बोलते हैं या लिख कर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई रिलेटिव है, वो हमसे दूर रह रहा है, तो या तो हम फ़ोन करेंगे, फ़ोन पर कैसे करते हैं? हम बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं, यानी बेटा हम लिखकर कोई भी मैसेज सेंड करते हैं। तो ठीक है, तो लिखकर या बोलकर करते हैं बेटा, जो भी व्यक्ति हमसे दूर रह रहा होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मीट देम एवरी टाइम, बेटा उन जो लोगों से जो हमसे दूर रह रहे होते ना, उनसे हमेशा हमारा मिलना पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं होता। हम ये नहीं कि हमें कुछ बात कहने तो हम बार बार उनके घर जाकर, उनके पास जाकर, दूर रह रहे हैं, बार बार हम उनके पास जाकर नहीं कह सकते हैं बेटा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? या तो हमें फ़ोन करना पड़ता है, या हमें लेटर से लिखना पड़ता है, कुछ भी हम ऐसा माध्यम अपनाते हैं बेटा जिससे हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें, हमें जाना नहीं पड़े और हम अपनी जगह पर रहकर उनसे बातें कर सकें बेटा। ठीक है, सो वी सेंड मैसेज टू देम, इसलिए हम उनके पास क्या करते हैं बेटा, मैसेज होता है संदेश, सेंड मीन भेजना, इसलिए हम उन लोगों के पास क्या करते हैं बेटा, मैसेज पास करते हैं, अपना संदेश भेजते हैं। ठीक है, आप देखिए बेटा, द मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या? सेंड मीन भेजना, रिसीव मीन प्राप्त करना। कैसे? कि लिखकर या बोलकर कैसे भी, किसी भी माध्यम से, कैसे भी भेजना और प्राप्त करना, मीन्स भेजना है प्राप्त करना, वो हम
जिस माध्यम से कर रहे हैं ना वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है, संचार का साधन कहलाता है बेटा, ठीक है। जिस माध्यम के द्वारा हम लेटर से भेज रहे हैं तो लेटर यहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फोन से कर रहे हैं तो फोन हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बेटा, ठीक है। तो ये हम कैसे भी जिस भी माध्यम के द्वारा कर रहे हैं वो मीन्स कहलाएगा कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन होता है पास ऑन मैसेजेस बाय स्पीकिंग और राइटिंग, अपने मैसेज को पास करना बोलकर या लिखकर वो कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर बेटा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है बेटा मैसेज को जिस मीन के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा हम सेंड या रिसीव करते हैं ना वो माध्यम क्या होता है बेटा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है बेटा। आप देखिए बेटा, इन अर्ली टाइम्स, अर्ली टाइम होता है पहले, पहले क्या बेटा, पहले हमारे पास ये माध्यम नहीं होते थे, जैसे लेटर भेजना है, फोन है बेटा, ये सब हमारे पास नहीं होते थे, ठीक है। तो फिर पहले कैसे हम कम्युनिकेट करते थे, लोग कैसे अपने मैसेज को भेजते थे बेटा, देखिए इन अर्ली टाइम्स रनर्स होते थे, रनर्स कौन बेटा, तेज दौड़ने वाले, ऐसे लोग जो बहुत तेज दौड़ते थे ना बेटा, वो लोग ये काम करते थे, उनको बेटा मैसेज दे दिया जाता था और वो दौड़ कर जाते थे और दौड़ कर के तब वो मैसेज को दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। इसके लिए बेटा टाइम ज़्यादा दूर होता तो टाइम ज़्यादा लग जाता था, वो रुक रुक कर बेचारे जाते थे और बहुत परेशान होते थे बेटा, ठीक है। तो पहले हमारे लिए मैसेज पास करना किसी के भी पास बेटा बहुत डिफिकल्ट होता था, आजकल बेटा हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, तुरंत हम क्या करते हैं फ़ोन का एक बटन दबाते हैं, स्विच ऑन किया, फ़ोन में नंबर डायल किया, तुरंत हमारा मैसेज, फ़ोन किया मैसेज मिल गया, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते बेटा, तो वेरी इजी है, फ्यू सेकेंड्स में ही, विद इन ए फ्यू सेकेंड्स हम मैसेज दूसरे के पास पहुँचा सकते हैं। लेकिन पहले कौन करता था बेटा, रनर्स होते थे, तेज दौड़ने वाले होते थे, ठीक है, बहुत तेज दौड़ते, फिर पिजन्स होते थे बेटा, कबूतर, कबूतर जो है बेटा ये लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर लेते हैं कम टाइम में, ठीक है। तो पिजन्स होते थे बेटा, पिजन्स कबूतर का यूज करते थे टू कैरी मैसेजेस, मैसेज भेजने के लिए। एनिमल्स लाइक, इसके अलावा बेटा एनिमल्स का यूज होता था बेटा, हॉर्सेस, लोग क्या करते थे, घोड़ों का यूज करते थे, घोड़े की पीठ पर बैठकर जाते थे बेटा और मैसेज भेजते थे, मैसेज लेकर जाते थे घोड़े के ऊपर बैठकर। या कैमल्स का यूज किया जाता था बेटा, ऊँटों का, और ये बहुत टाइम लेते हैं बेटा, ठीक है, ये भी इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अर्ली टाइम्स में लोग किसका यूज़ करते थे, मैसेज किसके द्वारा भेजा जाता था बेटा, अर्ली टाइम्स में मैसेज जाता था बेटा रनर्स लेकर जाते थे, यानी पिजन्स का यूज होता था, यानी एनिमल जैसे कि हॉर्सेज या कैमल्स का यूज होता था बेटा, ठीक है। आप देखिए बेटा फिर क्या हुआ, टुडे द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, लेकिन आज जो है ना बेटा ये संसार में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बदलाव आ गया है। द प्रेजेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड टू फोर मेजर ग्रुप्स, और बेटा जो प्रेजेंट वर्तमान में, प्रेजेंट मीन वर्तमान में जो कम्युनिकेशन के जो साधन है ना, इसे फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फोर टाइप के कम्युनिकेशन के माध्यम है बेटा, हम कैसे कैसे भेज सकते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा पोस्टल कम्युनिकेशन, इसमें का मीन है डाक संचार, हम किसके द्वारा, डाक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा बेटा हम अपना मैसेज पास करते हैं, और इसमें क्या है बेटा, हम लेटर लिख सकते हैं, लेटर लिख करके, ठीक है, ऐसे हम भेज सकते हैं बेटा, इसके अंदर लेटर एनवलप वगैरह आते हैं बेटा। फिर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या आता है बेटा, इसके अंदर हमारा आता है ये फोन, कंप्यूटर बेटा, फैक्स मशीन, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, और इनसे बेटा हमारा मैसेज तुरंत पहुंच जाता है, इंटरनेट वगैरह भी बेटा इसी में आता है हमारा, ठीक है। फिर है बेटा मास कम्युनिकेशन, बेटा मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ये जनसंचार, जनमीन लोगों को, ये लोगों को मैसेज, एक ही मैसेज सेम टाइम में बहुत से लोगों के पास चला जाता है बेटा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, हमारी बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, टीवी होता है, रेडियो होता है, आपने देखा होगा बेटा टीवी है, रेडियो है, इनमें प्रोग्राम आते हैं,
सेम टाइम में सेम चैनल पर सबके घरों में वही प्रोग्राम आता है, बहुत से लोगों को वो मैसेज मिल जाता है। ठीक है, जब भी हम सेम टाइम में हम अपना टीवी ऑन करते हैं, मेरे घर में टीवी चल रहा है, आपके घर में टीवी चल रहा है, सबके घर में चल रहा है बेटा, ऐसे रेडियो चल रहा है, और उसी टाइम में वही चैनल जब हम ओपन करते हैं ना, खोलते हैं ना, तो क्या होता है बेटा, सेम प्रोग्राम सेम मैसेज सबके पास पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसे बेटा न्यूज़पेपर डेली छपता है, और न्यूज़पेपर में वही न्यूज़ सब न्यूज़पेपर में छपते, और सब अपने अपने घर में न्यूज़पेपर लेते, और जिसके घर में भी न्यूज़पेपर जाता है उन सबको वो मैसेज मिल जाता है बेटा। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, बहुत से लोगों को सेम टाइम में सेम मैसेज पास करना मास कम्युनिकेशन में आता है बेटा। ठीक है, जैसे टीवी है, रेडियो है। ठीक है, इसके बाद है बेटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये क्या होता है बेटा, सैटेलाइट होता है उपग्रह। ठीक है, उपग्रह से संचार होता है बेटा। इससे क्या होता है बेटा कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, इसी के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन काम करते हैं। अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वर्क नहीं कर पाएगा। आपने देखा है बेटा, हमारे टीवी हैं, रेडियो है, ये भी बेटा इलेक्ट्रॉनिक में आ जाते हैं। इसके अलावा बेटा हमारा क्या कि फ़ोन है, कंप्यूटर है बेटा, ये हमारा वर्क करते हैं। आपने देखा इसमें कोई डोरी नहीं होती, कोई तार भी नहीं होता, फिर भी ये हमने जैसे ही नंबर डायल किया दूसरे के पास रिंग चली जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि जो हमारे सैटेलाइट्स है, उपग्रह, ये बेटा पृथ्वी से ये छोड़े गए हैं आकाश में, और ये पृथ्वी के चारों ओर आकाश में चक्कर लगाते रहते हैं, और ये कब क्या करते हैं बेटा, ये सिग्नल्स रिसीव करते हैं, और सिग्नल्स के रिसीव करके फिर बेटा हमारे फ़ोन तक, टीवी तक पहुंचाते हैं, जिससे वो हम सुन पाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो है सिग्नल्स के द्वारा वर्क करते हैं, और ये बेटा जो सिग्नल्स किसके द्वारा पॉसिबल है रिसीव करना और सेंड करना, केवल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं हो, सैटेलाइट्स नहीं हो, तो हमारा टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, फ़ोन वर्क नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है बेटा कि हमारे जो कम्युनिकेशन के मीन्स है वो हमारे फोर टाइप के होते हैं, पोस्टल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेटा। आप देखिए बेटा, सेट पोस्टल कम्युनिकेशन फर्स्ट हमारा पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, पोस्टल कम्युनिकेशन में देखिए, द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया आर पोस्ट कार्ड, एनवलप एंड इनलाइन लेटर, एरोग्राम। ये बेटा क्या कि इंडिया के अंदर जो कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है बेटा, पोस्ट कार्ड है, एनवलप है, इनलाइन लेटर है बेटा। देखिए बेटा, ये ब्लू कलर का ये हमारा इनलाइन लेटर है। इसके ये क्या होता है बेटा, ये हमारे कंट्री के, अपने ही कंट्री में जब हमें कोई लेटर भेजना होता ना, तो हम इनलाइन लेटर का काम करते हैं, दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता बेटा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस वाले में इसके ऊपर एड्रेस लिखना होता है, वो इसी के अंदर यहाँ लिखना होता है बेटा। एक साइड से ये खाली होता है, दूसरी साइड में ये प्रिंटेड होता है, और यहाँ पर जो प्रिंटेड साइड है ना, इस साइड में हम अपना एड्रेस और जहाँ पर भेजना होता है उसका एड्रेस लिख देते हैं, और जो खाली साइड होती है ना बेटा, उस साइड में हम क्या करते हैं, जो हमें मैसेज लिखना होता है ना वो लिख देते हैं बेटा। ठीक है, और फिर इसे फोल्ड करके चिपका करके भेज देते हैं बेटा। तो ये होता है इनलाइन लेटर, और बेटा ये विद इन कंट्री के अंदर होता है। ठीक है, फिर होता है बेटा एनवलप। एनवलप में क्या होता है बेटा, इसमें भी हम लेटर भेजते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, इस जो हमारा इनलैंड लेटर है, इसमें तो हम लिमिटेड एरिया होता है हमारे पास लिखने के लिए, जो इसके अंदर स्पेस है ना उसी में हम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जो एनवलप है इसमें बेटा क्या होता है, यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर हम अपनी नोटबुक में से पेज निकाल कर के हम कितना भी बड़ा, 2 पेज 3 पेज जितना भी चाहे ना उतना लिख कर इसके अंदर डाल सकते हैं, और हम इसमें लिख करके भेज देते हैं बेटा। और हम कोई छोटी छोटी चीज़ें जैसे राखी वगैरह भी हम इसके अंदर डालकर भेज सकते हैं। फिर बेटा ये स्टैम्प होती है, क्या होती है बेटा, ये डिफरेंट रुपीज़ की होती है, ये बेटा इनके ऊपर चिपकाई जाती है। जब भी हमें कोई स्पीड पोस्ट करनी होती है, रजिस्ट्री करनी होती है, उनके ऊपर बेटा स्टैम्प लगाई जाती है डिफरेंट, उसके लिए बेटा डिफरेंट स्टैम्प होती है, किसी में 5 रुपये की, 10 रुपये की, 20 रुपये की, कितनी लगानी है बेटा वो पोस्ट ऑफिस से पता चलता है, हम उतने ही रुपये की स्टैम्प लगा करके इनके ऊपर भेज देते हैं बेटा।
फिर होता है बेटा एरोग्राम। एरोग्राम क्या होता है बेटा? एरोग्राम वो होता है जिसके द्वारा, एरोग्राम के द्वारा, मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है या आपके मामा जी है दूसरे देश में, इंडिया से बाहर दूसरे देश में रह रहे, जैसे कि अमेरिका में रह रहे, जापान में रह रहे, मीन्स दूसरे कंट्री में, जब हमें अदर कंट्री में रह रहे होते हैं और उनके पास कोई लेटर भेजना हो ना, मैसेज करने के लिए लेटर भेजना हो, तो बेटा हम एरोग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है बेटा, एरोग्राम जो होता है ये अदर कंट्री के लिए होता है, इनलैंड लेटर हमारे विद इन कंट्री के लिए होता है, एनवलप भी बेटा अपने ही कंट्री के लिए होता है। ठीक है, इसमें हम लिमिटेड एरिया होता है लिखने के लिए हमारे पास, इसमें हम जितना चाहे लिख कर डाल सकते हैं। ठीक है, और ये स्टैम्प बेटा, ये हमारे जब ये पोस्ट करते हैं कि हमारे स्पीड पोस्ट करनी है कि रजिस्ट्री करनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इनके ऊपर चिपका कर भेजी जाती है, तो बेटा ये डाकघर से डिसाइड होता है कि किसके ऊपर कितने रुपए की स्टैम्प लगनी होती है बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा, एरोग्राम आज आर यूज टू सेंड लेटर्स आउटसाइड इंडिया। एरोग्राम का यूज कहाँ होता है बेटा? जब इंडिया से बाहर लेटर भेजना होता है हमें दूसरे कंट्री में, तो हम एरोग्राम का यूज करते हैं बेटा। दीज आर कॉल्ड पोस्टल स्टेशनरी, और इसे पोस्टल स्टेशनरी कहा जाता है जो कि हमें पोस्ट ऑफिस से ही अवेलेबल होती है बेटा, एंड आर अवेलेबल बाई एट पोस्ट ऑफिस, और ये हमें पोस्ट ऑफिस पर ही मिलती है। व्हेन दीज लेटर्स एंड पैकेजेस आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द मेल। क्या? जब बेटा ये लेटर्स और पैकेज जो हम डाक के द्वारा भेजते ना, इन्हें जब भेजा जाता है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसे मेल कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए मेल क्या होता है बेटा। मेल होता है लेटर्स या पैकेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, मेल कहलाता है बेटा। अब है द मेल इज कैरिड इन ट्रेन्स, और बेटा ये मेल जो होती है ये ट्रेन्स के द्वारा ले जाई जा सकती है, बस के द्वारा, कार के द्वारा, कैमल के ऊपर भी लेकर जाई जा सकती है, और एरोप्लेन में भी बेटा। ठीक है, अगर मान लीजिए नज़दीक है तो हम कार बस का यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर ये अवेलेबल नहीं है तो कैमल का भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ट्रेन का दूर भेजनी हो ट्रेन का यूज़ होता है, लेकिन दूसरे कंट्री में या बहुत दूर भेजनी है तो एरोप्लेन का भी यूज़ होता है बेटा। दूसरा बेटा, हमारी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कैसी है, जो स्पीड पोस्ट होती है ना बेटा वो एरोप्लेन और ट्रेन्स का यूज़ होता है इनके अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमने लेटर भेजा है या जो भी आइटम भेजा है वो किसके थ्रू भेजा है, हमने किस टाइप से, हमने स्पीड पोस्ट किया है कि रजिस्ट्री किया है या कोरियर किया है या क्या किया है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें यूज होना है। ठीक है, आप देखिए, स्पेशल मैसेंजर्स और कोरियर्स आर आल्सो यूज्ड बाय स्पीडी डिलीवरी। क्या स्पेशल मैसेंजर्स होते हैं बेटा? स्पेशल मैसेंजर्स होते हैं या कोरियर्स होते हैं, आर आल्सो यूज्ड, ये भी यूज किए जाते हैं फॉर स्पीडी डिलीवरी। स्पीडी मीन तेजी से, मान लो कोई डिलीवरी हमें जल्दी पहुंचानी है, जब बहुत जल्दी मैसेज पहुंचाना होता है या बहुत जल्दी कोई सामान हमें कहीं पहुंचाना होता है ना, तो वहां पर कोरियर्स का यूज किया जाता है या मैसेंजर्स का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, ये स्पेशल होते हैं बेटा। ठीक है, दीज आर कॉस्टलियर, ये महंगे भी होते हैं बेटा, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा रुपए की टिकट लगती है। ठीक है, ये महंगे होते हैं लेकिन बेटा ये बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, देन द सिंपल पोस्ट, जो हम साधारण डाक भेजते हैं, साधारण डाक से जो सामान भेजते हैं ना बेटा उसमें कम पैसा लगता है, लेकिन जब हम कोरियर करते हैं या स्पीड पोस्ट करते हैं तो उसके अंदर बेटा हमारा पैसा ज़्यादा लगता है, ये महंगे पड़ते हैं बेटा। द पोस्ट ऑफिस हैज़ अलॉटेड पिन कोड्स टू डिफरेंट एरियाज, और बेटा जो पोस्ट ऑफिस है ना ये निर्धारित करता है डिफरेंट प्लेस के लिए, डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट पिन कोड होते हैं बेटा। बेटा पिन कोड क्या होता है बेटा? पिन कोड जो है एक 6 डिजिट का नंबर होता है, इसके अंदर 6 ही डिजिट होते हैं बेटा, नहीं तो 6 से कम होते हैं, नहीं 6 से ज़्यादा होते हैं, और ये बेटा स्पेस हर एरिया का अलग अलग होता है, और ये बेटा किसी भी प्लेस को जानने में, जल्दी जानने में हेल्प करते हैं, क्योंकि
एक ही पिन दो प्लेसेस का सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट होता है और ये किसी भी प्लेस को आसानी से जानने में मदद करता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा कि व्हाट इज पिन कोड। पिन कोड क्या होता है बेटा? पिन कोड इज ए 6 डिजिट नंबर, ये 6 डिजिट का नंबर होता है, विच हेल्प्स, जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई मीन पहचान करने में, रिक्वायर्ड मीन जरूरत, जिस प्लेस की जरूरत होती है ना, प्लेस इजीली, उसको आसानी से, मीन्स हमें लेटर कहाँ भेजना है उसके ऊपर, लेटर के ऊपर जब हम एड्रेस लिखते हैं तो अपना पिन कोड लिख देते हैं बेटा। और बेटा पिन कोड लिखने से क्या होता है कि जो डाकिया होता है ना डाकघर में, वो पिन कोड देख लेता है और पिन कोड से उसको पता चल जाता है कि ये कहाँ का लेटर है, ठीक है, कहाँ भेजना है, कौन से गांव में जाना है बेटा, ठीक है। तो ये एरिया वाइज बेटा अलग अलग होता है पिन कोड, और ये बहुत हेल्प करता है किसी भी जगह को जल्दी जानने में, आसानी से पहचान करने में। अब बेटा देखिए एड्रेस कैसे लिखा जाता है। बेटा एड्रेस में क्या होता है, पहले हम अपना नेम, जिसके पास हमें भेजना होता है उसका नेम लिखना होता है, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन लिख दिया, उसका फादर नेम यहाँ लिख देते हैं, डॉटर है तो डॉटर ऑफ, मदर, ठीक है, सन है तो सन ऑफ, जो भी है हम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ रजनी शर्मा, मेरा नाम लिखा है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ रजनी शर्मा डॉटर ऑफ लिख दिया, और फिर अपना फादर का नेम लिख दिया मैंने रामकिशन, ठीक है। फिर एड्रेस में क्या होता है बेटा, हम अपना और क्या लिखते हैं, VPO, वी से विलेज, पी से पोस्ट ऑफिस, ठीक है, और मेरा विलेज और पोस्ट ऑफिस नाहर है, नाहर में ही मेरा पोस्ट ऑफिस भी है और गांव भी है, तो मैंने नाहर लिखा है। डिस्ट्रिक्ट मेरा रेवाड़ी है, ठीक है, और तहसील मेरी कौसली है, हरियाणा मेरा क्या है, स्टेट है बेटा, ठीक है, और पिन कोड बेटा नहाड का ये है, ठीक है, मैंने यहाँ पिन कोड भी लिखा है। तो बेटा आप भी क्या, आपको भी एड्रेस लिखना आना चाहिए। एड्रेस में क्या करते हैं, हम अपना नेम लिखते हैं, फिर हम सन ऑफ डॉटर ऑफ जो भी अपने फादर का नेम लिख देते हैं लिख करके, फिर अपने गांव का लिखते हैं, डाकघर का लिखते हैं कि डाकघर कहाँ पर है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, तहसील लिखते हैं, अपना स्टेट लिखते हैं बेटा, और साथ में जहाँ हम रह रहे हैं या जहाँ लेटर भेजना है वहाँ का पिन कोड लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एड्रेस आना चाहिए, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से एड्रेस लिखना सीख लेंगे बेटा, ठीक है। आप देखिए बेटा क्या कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है बेटा, ये एक लेटर बॉक्स होता है रेड कलर का, हमें जो लेटर भेजना होता है हम इसके अंदर डाल कर आ जाते हैं, यहाँ से डाल लेते हैं, और डाकिया क्या करता है बेटा, यहाँ से नीचे से इसको यहाँ से खोल करके और सारे लेटर्स निकाल लेता है, उनकी काउंटिंग करता है, एरिया वाइज उनको भेज दिया जाता है जहाँ पर भेजना होता है बेटा, ठीक है। आप देखिए बेटा अब आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। बेटा देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटा अब का जो समय है ना ये आईटी के ऊपर डिपेंड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। आप देखिए बेटा इसमें क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, दूर संचार इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ना इसे टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ना बेटा, ये कम्युनिकेशन का सबसे तेज चलने वाला माध्यम है। आपने देखा होगा कि सबसे तेज कैसे बेटा, कि जैसे ही हमने फोन पे नंबर डाल किया तुरंत हम दूसरे स्थान पर फोन पहुंच जाता है, हम तुरंत बता देते हैं, ठीक है। आप अपने मामा जी को कोई बात बताते हो, फोन नंबर डायल किया, फटाफट मामा जी आप आ रहे हो मेरे लिए ये चीज़ ले आना, मेरे लिए ये ले आना, बुआ जी आप आ रहे हो तो मेरे लिए ऐसी ड्रेस ले आना। आप व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज देते हो, वीडियो कॉल कर लेते हो बेटा, ठीक है, वीडियो कॉल पे बता देते हो, तुरंत दूर बैठे भी हमें पता चल जाता है कि वीडियो कॉल से कि कौन कैसा क्या पहन रखा है, क्या खा रहा बेटा, हम सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है बेटा, तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में कौन सा आता है बेटा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। आप देखिए पीपल आर यूजिंग टेलीफोन एक्सटेंसिवली एट लो कॉस्ट। आजकल बेटा, पहले बेटा फोन पर बातें करने में ज्यादा पैसे लगते थे, लेकिन आजकल बेटा क्या है, फोन का यूज कर रहे हैं लो कॉस्ट मीन कम पैसे में, कम पैसे लगते हैं बेटा, और कम पैसे में हम ज़्यादा बातें कर लेते हैं, ज़्यादा मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, कम कॉस्ट पर कर रहे हैं बेटा।
ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और बेटा ये हमारा जो फोन है ना, ये बेटा हमारा पोस्टल कम्युनिकेशन से भी सस्ता हो गया है। आपने देखा होगा कि हम 500 का रिचार्ज करते हैं, 3 महीने तक हम कैसे भी उससे बातें कर सकते हैं, कितना भी बेटा हम कॉल कर सकते हैं, दिन में चाहे पूरा पूरा दिन हम बातें कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा फ़ोन बंद नहीं होता है, पैसे भी ख़त्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने का हमें 500 रुपये में मिल जाता है पैकेज और हम उसमें बातें कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्या कि लगभग सभी पार्ट्स में, हमारे देश के सभी पार्ट्स में PCO, STD और ISD बूथ है बेटा। ये हमारे टेलीफोन बूथ है बेटा। इन टेलीफोन बूथ में बेटा 3 टाइप के फोन्स होते हैं। एक होता है PCO। PCO से क्या होता है बेटा, पब्लिक कॉल ऑफिस होता है ये, ठीक है। इसमें हम पब्लिक के पास कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक मीन आम जनता के पास, हमें पास में ही करना है, ठीक है। इसका यूज हम क्या करते हैं बेटा, लोकल एरिया में करते हैं, जैसे गांव से गांव में करना हो। फिर है बेटा STD। STD के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। हरियाणा से पंजाब में करना हो, कोई रह रहा हो या राजस्थान में करना, तो हमारा STD का यूज होता है। और फिर होता है बेटा ISD। ISD इंटरनेशनल कॉल होती है बेटा, जैसे कि हम एक कंट्री से दूसरे, इंडिया में हैं हम और हमें अमेरिका में कोई रह रहा है या जापान में कोई रह रहा है, वहाँ कॉल करनी हो तो बेटा हम ISD का यूज़ करते हैं। तो याद रखना क्या है आपको बेटा, कि जो PCO है ये पब्लिक कॉल के लिए होता है, मींस ये एक ही स्टेट के अंदर एक गांव से दूसरे गांव में करना, PCO का यूज़ कर सकते हैं। STD बेटा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इंडिया के अंदर, ठीक है। और ISD जो होता है बेटा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंटरनेशनल कॉल के लिए होता है बेटा, ठीक है। ये बेटा जगह जगह पर जो है क्या टेलीफोन बूथ लगे हुए हैं, उनके अंदर ये तीनों सुविधाएं मौजूद है बेटा। आपको कोई PCO पे कॉल कर, पब्लिक कॉल करनी है, या कहीं आपको अपने रिलेटिव्स के पास में, कहीं दूसरे स्टेट में रह रहा उसके पास, या कोई विदेश में रह रहा उसके पास, कहीं पर भी कॉल करनी हो ना बेटा, आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप वहाँ जा कर के टेलीफोन बूथ में जा कर के इनका यूज़ कर सकते हो बेटा, ठीक है। पब्लिक यूज़ ये आम जनता के लिए होता है, यूज़ के लिए, जिनके पास फ़ोन नहीं है उनके लिए बेटा, ठीक है। पीपल हैव देयर ओन मोबाइल फोन्स, आजकल बेटा लोगों के पास अपने खुद के भी मोबाइल फ़ोन होते हैं बेटा, ठीक है। खुद के भी मोबाइल फ़ोन होते हैं बेटा, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। हम कहीं पर भी अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखते हैं बेटा, कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी बैठकर हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई कुछ नहीं कहता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कहीं पर भी कभी भी जब हमें बात करें, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे बाहर हो, कहीं पर भी हमारे पास फ़ोन रहेगा अवेलेबल, और हम तुरंत फ़ोन नंबर डायल करेंगे और अपना कॉल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा ये है हमारा चैप्टर जो आपको रीड करना है, आपको यहीं तक करना है बेटा, आपको अच्छी तरह से ये यहाँ तक समझ करके पूरा रीड करना है बेटा, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए बेटा अच्छी तरह से। और बेटा इस तरह से रीड किया करो, समझा करो, कि लेसन के बीच में जो कुछ भी बातें आती ना, वो सारी आपको लर्न रहे, आप भूलो नहीं बेटा, ठीक है। कंसंट्रेट किया करो बेटा अपने वर्क के ऊपर। ओके बेटा, थैंक्स।